आपका जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं राजधानी से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर की। जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में बम की धमकी मिली है। दोपहर को सीतापुरा के JECC में बॉम्ब रखे होने की सूचना मिली थी, एक धमकी मिली थी और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया था। एक धमकी भरा फोन JECC में सर्च में डॉग स्क्वाड की टीम जुटी हुई है, बम स्क्वाड की टीम जुटी हुई है, पुलिस की टीम वहां पर बॉम्ब ढूंढने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यह धमकी भरा फोन आया था और धमकी भरा फोन आने के बाद JECC में सर्च ऑपरेशन में इस वक्त डॉग स्क्वाड की टीम और साथ ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम जुटी हुई है। ये मामला जयपुर का है, जयपुर में एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का है। इस सेंटर पर बम होने की सूचना मिली, बम होने की धमकी मिली। दोपहर को ही सीतापुरा के JECC में बम रखे होने की धमकी मिली थी। पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा कॉल आया था और उसके बाद से पुलिस लगातार सर्च कर रही है। मेरे सहयोगी दिनेश तिवाड़ी मेरे साथ जुड़ गए सीधे जयपुर से। दिनेश, अभी की क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल हार्दिक, देखिए बड़ी खबर है, बड़ा मामला है कि जयपुर कन्वेंशन सेंटर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 7 दिनों में राजधानी जयपुर में ये दूसरा मामला है जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाल ही में पिछले 7 दिन, ये सीधा बात करें तो 13 मई को एक राजधानी के तमाम बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और आज फिक्स 7 दिन बाद यानी कि 20 मई को राजधानी के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर JECC को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल में सूचना दी गई है और तमाम बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही DCP साउथ दिवंगत आनंद खुद मौके पर हैं और उनकी मॉनिटरिंग में तमाम जो है इसकी छानबीन की जा रही है। टीमें लगातार अंदर इसकी छानबीन कर रही है कि आखिर बम कहाँ से आया, किसने रखा और सबसे बड़ी बात यह कि किसने ये सूचना दी। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। बम स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद हैं कि सबसे जहाँ पर VIP मूवमेंट रहता है राजधानी का, तमाम क्योंकि तमाम बड़े जो मूवमेंट VIP इवेंट जो होते हैं, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, स्मार्ट स्टोन से रिलेटेड हो, तमाम वो बड़े मूवमेंट जो यहाँ पर होते हैं, एग्जीबिशंस यहाँ पर होते हैं, इसमें तमाम VIP मूवमेंट बना रहता है। इसी परिसर में एक बड़ा होटल बना हुआ है, ऐसे में लगातार इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं VIP मूवमेंट बना रहता है और इस क्षेत्र में, क्षेत्र को बम से उड़ाने की 42 एकड़ में बना ये JECC राजधानी जयपुर ही प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जिसमें कि VIP मूवमेंट बना रहता है। अब राजधानी के तमाम बड़े स्कूलों के बाद इसको निशाना बनाया गया, इसको टारगेट बनाया गया कि आखिर यहां पर बम रखा है, ये सूचना फैलाई गई है। अब ये पूरे जांच में बम स्क्वाड की टीम जुटी हुई है। अब ये देखने वाली बात है, देखने वाली बात होगी कि वाकई यहां पर कोई बॉम्ब है, कोई आतंकी हमले की साजिश है या फिर ये कोई प्रैंक कॉल है। अगर प्रैंक कॉल हो तो अपडेट जरूर कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।